हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। गाइस, आज मैं जो वीडियो लेके आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर आप टीचर हैं तो आप कैसे बच्चे की पेरेंट्स को कंप्लेन करें कि आप बच्चा आपका बिहेव अच्छे से नहीं कर रहा है क्लास में और बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसको कैसे इंग्लिश में आप डायरी में लिखें, डायरी नोट्स बना के कैसे पेरेंट्स को दें। तो गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं। सो कंप्लेन लेटर टू पेरेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल या फिर टीचर। तो ये लेटर है जो कंप्लेन लेटर है जो प्रिंसिपल या फिर टीचर पेरेंट्स को कर रही है। सबसे पहले आप स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट डालेंगे। जैसे यहाँ मैंने डाला हुआ है कंप्लेन लेटर टू पेरेंट्स अबाउट मिसबिहेव विथ टीचर। कंप्लेन लेटर है वो मिसबिहेव जो उसका मेन थीम है वो आपके लेटर की, तो उसको आप सब्जेक्ट में डालेंगे। आई एम फीलिंग सैड टू इन्फॉर्म यू डैट योर सन राहुल इज़ नॉट डूइंग वेल इन स्कूल। यानी कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आपका बच्चा, सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि आपका बच्चा राहुल अच्छे से ढंग से पेश नहीं आ रहा है स्कूल में। ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल। वो स्कूल में नियमों का पालन नहीं कर रहा है। यानी कि बहुत ही, जैसे बहुत बच्चे बदमाश हो जाते हैं तो उसकी कंप्लेंट टीचर कर रही है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपका बच्चा नियम के अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आप एक लाइन दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं ही इज़ अक्यूज ऑफ मिसबिहेविंग विथ मोस्ट ऑफ हिज टीचर्स। यानी कि वो बहुत से टीचर्स के साथ बदतमीजी करता है, करते हुए पाया गया है। His mathematics teacher Miss Roma has allied Rahul that he was found shouting at her. यानी कि जो Miss Roma है उन्होंने बताया कि राहुल उनके ऊपर चिल्ला रहा था। तो अब टीचर है तो उसके ऊपर कोई स्टूडेंट चिल्लाएगा तो वो मिसबिहेव तो है ही, तो वो ये बताने की कोशिश कर रही है लेटर में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में लिखिए Hope that you will play your part as a good parent to teach him how to behave with the teacher in school. कह रही मैं आशा करती हूँ कि आप एक अच्छे पेरेंट्स की तरह बच्चे को सिखाएंगे कि टीचर से कैसे स्कूल में बिहेव किया जाता है। Please feel free to contact in case of any queries. अगर कुछ जानना हो या फिर कुछ बात करनी हो तो आप मुझे contact कर सकते हैं, और आप फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखिए रिगार्ड्स और फिर अपना नाम, जो टीचर है या फिर जो प्रिंसिपल है, और फिर नीचे टीचर या फिर क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका लेटर कैसे होता है एक शुरू से लेके लास्ट तक मैंने बता दिया। अब सिर्फ मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ लेटर। तो देखिए वार्निंग लेटर फॉर मिसकंडक्ट, यानी कि चेतावनी लेटर है ये मिसकंडक्ट के लिए। तो देखते हैं क्या है इसमें। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू डैट योर चाइल्ड हैज़ बीन इन्वॉल्व इन सम अनएथिकल एक्टिविटीज़। अनएथिकल एक्टिविटीज़ यानी अनैतिक गतिविधियाँ। यानी कि हमें बहुत खेद है ये सूचित करते हुए कि आपका बच्चा कुछ अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, शामिल है। टीचर्स हैड कंप्लेंड अबाउट द मिसकंडक्ट ऑफ योर चाइल्ड इन द क्लासरूम। टीचर ने कंप्लेन किया है आपके बच्चे की, वो बच्चे की शिकायत की है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है क्लास में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग नो कंप्लेंट्स अबाउट हर मिसकंडक्ट इन द क्लास। यानी कि मैं यह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, यानी कि मैं आगे से यह सुनना चाहूँगी कि बच्चे की कोई कंप्लेंट मैं नहीं सुनना चाहती आगे से कि क्लास में वो कैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रही है कि अच्छा बिहेव होना चाहिए, आगे से मैं कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगी। लेटर टू पेरेंट्स फॉर मिसबिहेवियर ऑफ स्टूडेंट विद टीचर, ये तीसरा लेटर है जो कि बच्चा बहुत ख़राब तरीके से अगर मिसबिहेव करता है टीचर के साथ तो उसके बारे में आप कैसे लिखें, तो उसका मैं यहाँ बता रही हूँ। द लेटर इज़ इंटेंडेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट योर डॉटर्स मिसबिहेवियर। ये लेटर आपको सूचित करना चाह रही हूँ कि आपकी जो बेटी है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है क्लास में। ये लेटर लिखने की वजह है। जैकलिन हैज़ मिसबिहेव्ड विद हर आर्ट टीचर इन यस्टरडेज क्लास। जैकलिन लड़की का नाम है
जो कि उसने दुर्व्यवहार किया आर्ट की टीचर से कल की क्लास में, येस्टरडेज क्लास। आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू कैन प्ले वाइटल रोल, वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल, इन परसुएडिंग हर टू करेक्ट हर कंडक्ट सच एज एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट बाय द रिस्पेक्टेबल टीचर्स। आई एम क्वाइट, मैं थोड़ा आशावादी हूँ, मैं पूरी मतलब मैं होपफुल हूँ डैट यू कैन, आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं उसको शिष्टाचार सिखाने के लिए, टू करेक्ट हर कंडक्ट सच एज एडवाइस टू ऑल, जैसा कि बाकी के बच्चों को सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा। आई एम क्वाइट होपफुल डैट यू कैन प्ले वाइटल रोल इन परसुएडिंग हर टू करेक्ट हर कंडक्ट सच एज एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट बाय देयर रिस्पेक्टेबल टीचर्स। अब ये कंप्लेन लेटर अगेंस्ट मिसबिहेवियर विद टीचर, तो ये क्या, ये चौथा टाइप लेटर है और सारे लेटर्स मिसबिहेवियर पे ही हैं, लेकिन हल्का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आप देखिए। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट योर चाइल्ड सूरज हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेविंग विद द क्लास टीचर। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट योर चाइल्ड सूरज, मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि आपका बच्चा सूरज दोषी पाया गया है क्लास टीचर से बदतमीजी करने के लिए, करने की वजह से। द स्टूडेंट हैड बीन थ्रोइंग पेपर बॉल्स एट द टीचर, जो स्टूडेंट बच्चा है जो राहुल है वो पेपर बॉल टीचर पर फेंक रहा था वाइल द क्लास वॉज गोइंग ऑन, जब क्लास चल रही थी। एंड हैज़ ऑल्सो यूज इन अप्रोप्रिएट स्पीच, इन अप्रोप्रिएट मतलब कि उल्टा सीधा बोल देना, तो उसने वैसे ही स्पीच वर्ड्स भी यूज़ किए, उल्टा सीधा बोला विद द टीचर, टीचर को व्हेन शी ट्राई टू स्टॉप हिम, जब टीचर ने उसको रोकना चाहा, तो पेपर बॉल थ्रो कर रहा था, जब टीचर ने रोका तो उस उल्टा सीधा बकने लगा वो। इट इज़ टू स्पेसिफाई डैट सूरज इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि सूरज बहुत गलत बहुत ख़राब लड़का है जिसपे बाकी बच्चों पे असर पड़ सकता है। ही इज़ अ बैड इन्फ्लुएंस यानी कि बच्चों पे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं इसीलिए वो, तो वी डू नॉट वॉन्ट सच एन इफेक्ट ऑन अदर चिल्ड्रेन, हम नहीं चाहते कि बाकी बच्चों पे भी उसका प्रभाव पड़े, तो इसीलिए ये लेटर लिखा गया। वी होप यू विल ट्राई टू मैनेज द सिचुएशन इंटेलिजेंटली, यानी कि आप समझदारी के साथ आप ये सिचुएशन मैनेज करेंगे। एंड विल ट्राई टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन सूरज बिहेवियर, और सूरज के बर्ताव में आप सुधार ला पाएंगे लाएंगे। वी होप यू विल ट्राई टू मैनेज द सिचुएशन इंटेलिजेंटली यानी कि समझदारी के साथ, एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन सूरज बिहेवियर। फिर रिगार्ड्स, रिगार्ड्स करके फिर आप अपना नाम लिख दीजिए। अब फिर ये पांचवा है, कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट मिसचीवियस एटीट्यूड ऑफ देयर सन डॉटर फ्रॉम प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ने लिखा है कंप्लेन पेरेंट्स को, तो वही बदतमीजी मिसकंडक्ट मिसचीवियस मिसबिहेव। तो आगे देखिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स अ सीरियस मैटर, मैं ये लेटर आपको लिख रही हूँ ताकि आपका ध्यान मैं ला सकूँ इस सीरियस मुद्दे पर। द क्लास टीचर ऑफ योर सन, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेल्फ मैंने लिख दिया गलती से, द क्लास टीचर ऑफ योर सन रोहित हैज़ कंप्लेंट द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ रोहित मेनी टाइम्स रिपीटेडली, यानी कि क्लास रोहित की जो क्लास टीचर है वो कितनी बार रोहित की कंप्लेंट कर चुकी है उसके ख़राब बिहेवियर की वजह से, रिपीटेडली यानी कि बार बार, यानी कि वो हर बार बदमाशी करता है। अपॉन दिस राहुल हैज़ बीन पनिश इम्पोज, मतलब कि वो इस वजह से वो कितनी बार पनिशमेंट मिली है उसको, इम्पोज फाइन उसने भरा है, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल वंस, और एक बार स्कूल से सस्पेंड भी हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ दिस पनिशमेंट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व इन हिज बिहेवियर, और ये सब पनिशमेंट के बाद भी, ये सब सज़ा के बाद भी उसमें कोई भी चेंज नहीं नज़र आ रहा है। In spite of this punishment, there is no significant change observed in his behavior. I humbly request you to please take a serious action against your son.
मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कोई सीरियस एक्शन लीजिए अपने बच्चे के खिलाफ विथ रिगार्ड्स टू द अफोरमेंशन कंप्लेन नोटिफाइड. अफोरमेंशन यानी कि जो ऑलरेडी ऊपर मैंने मेंशन कर दी है उसको अफोरमेंशन बोलेंगे. कंप्लेन जो कंप्लेन मेंशन की है उसको 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 मद्देनजर रखते हुए आप प्लीज़ पे वो रखिए. फिर उसके बाद थैंक्स लिखिए. फिर ये एम यासिर है प्रिंसिपल है जो उस लास्ट में थैंक्स या फिर रिगार्ड्स थैंक्स रिगार्ड्स कुछ भी और फिर नाम फिर प्रिंसिपल. तो गाइज ये था मेरा वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आया हो. लेकिन गाइज जैसा भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अगली बार आप कैसा वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे वो मैं बनाऊंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.